गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड सामाजिक अध्ययन महाभारत में पार्ट एक श्री गणेशाय नमः की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप मेरे हाथ में मूर्ति देख रहे हैं, ये भगवान श्री गणेश जी की है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम कोई भी पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करते हैं। 5000 वर्ष पुरानी बात है, उस समय भारतवर्ष की धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे और भारतवर्ष में महाराजा शांतनु का राज्य था और महाराजा शांतनु की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। तब भारतवर्ष में महाराजा शांतनु ने अपना राज्य संभालते हुए धीरे धीरे आगे अपना विस्तार करना प्रारंभ किया और शांतनु के बाद जो उनके पुत्र थे विचित्रवीर्य, उन्होंने राजा के पद को संभाला। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे, अतः गद्दी पर नहीं बैठ सके। महाराजा पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम तीन पुत्र हुए। माद्री के दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। वे पांचों पांडव के पुत्र थे, इसीलिए वह पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की रानी गांधारी थी। वह गांधार देश की राजकुमारी थी, जिसे आज गांधार कहते हैं। आजकल यह स्थान अफगानिस्तान में है। उस समय अपना देश वहां तक फैला था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। सभी दुष्ट और अल्पबुद्धि थे। वह कौरव कहलाए। तो उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वह बहुत ही घमंडी था, पांडवों से बहुत ही ज्यादा जलता था। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलवाया। युधिष्ठिर को इस खेल की बुरी लत थी। वह इस खेल में इतने मग्न रहते थे, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को इनकार नहीं किया। खेल जमा, दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी खेल रहे थे और वह बहुत अधिक कुटिल थे। इस खेल में उसने छल से बाजी जीत ली, पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज्य छिन गया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बेचारे पांडव 13 वर्ष तक वन में मारे मारे इधर उधर घूमते रहे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस उन्हें करने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात पर कान नहीं दिया, अर्थात उनकी बात को नहीं माना। पांडवों को युद्ध करना पड़ा। कौरव पांडवों का यह युद्ध महाभारत के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इस कथा को वेदव्यास जी ने एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहा, किंतु इस ग्रंथ को लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे तीव्र लिखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। उन्हें इसके लिए श्री गणेश जी का नाम बहुत सरल लगा, क्योंकि वह इस सभी बड़े बड़े ग्रंथों को लिखने में सक्षम थे। उन्हें अच्छा सहायक चाहिए था जो बहुत तेज लिखता हो। गणेश जी से तेज लिखने के लिए और कोई अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए। वेद व्यास जी ने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वह उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे। व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की श्री गणेश जी से और बोले कि आप मेरे इस ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता कीजिए। श्री गणेश जी बोले, मैं तैयार हूं, किंतु मेरी भी एक शर्त है। मैं लिखना शुरू करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। यदि आप बोलते बोलते रुक गए तो मेरी कलम भी वही उसी समय रुक जाएगी। लेकिन वेद व्यास जी भी बहुत चालाक थे। उन्होंने
श्री गणेश जी से कहा, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा, किंतु मेरी भी एक शर्त है। जब मैं आपको कोई ऐसा श्लोक बताऊं, आप उसका भली भांति अर्थ समझते हुए लिखेंगे। इस प्रकार जब वेदव्यास जी कोई श्लोक बोलते तो गणेश जी उस पर विचार मंथन करते, उसके पश्चात लिखते। इतने समय में महर्षि वेदव्यास जी को भी अगला श्लोक समझने के लिए कुछ समय मिल जाता। बस व्यास जी चतुर थे, बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है, आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ भली प्रकार समझकर तभी लिखें। व्यास जी की चतुराई समझकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, वह तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों बैठकर जम गए। व्यास जी बोलते और भगवान श्री गणेश उसे लिखते जाते। बीच बीच में व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते, उसका अर्थ समझने के लिए गणेश जी जब थोड़ा रुकते तो इसी बीच में व्यास जी कई नए श्लोक बना डालते। वह इस प्रकार महाभारत का एक बहुत बड़ा अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं, इसके मुनि पराशर हैं और उनकी माता सत्यवती हैं। वह एक मछुआरे की कन्या थी। मछुआरे मथुरा के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप, जहाँ पर वेदव्यास जी का, जहाँ पर ही उनका जन्म हुआ था, इसीलिए ये कृष्ण द्वीपान कहलाए थे, अर्थात द्वीप पर रहने वाले श्री कृष्ण। पर में ही कृष्ण द्वीपायन हिमालय चले गए थे। 12 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की, फिर कृष्ण द्वीपायन हो गए वेदव्यास जी। बद्रीधाम में आश्रम होने के कारण बद्रायन भी कहलाए गए। व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेदों को उन्होंने ही 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसीलिए उन्हें वेदव्यास कहते हैं। वेदों का अर्थ समझने के लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के लिए उन्होंने 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ व्यास जी की ही देन है। यह 5वां वेद कहलाता है। उसी महाभारत की कुछ कथाएं हम आगे इस पुस्तक सामाजिक विषय कक्षा तृतीय में 2 कॉपियां बनेगी। पहली एक महाभारत की कॉपी बनेगी, दूसरा सामाजिक अध्ययन की कॉपी बनेगी। दोनों कॉपी का काम अलग अलग सुंदर राइटिंग में करना है। जो वर्क मैं दे रही हूँ, इसके पश्चात आपको वर्क दिया जाएगा, वो अपना वर्क कॉपी में साफ साफ पेंसिल से लिखेंगे। एक क्वेश्चन आंसर लिखने के पश्चात 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार बहुत साफ राइटिंग में लिखना है। और आज आपको गणेश जी का चित्र बनाना है, और जैसा कि ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, शांतनु के पुत्र का क्या नाम था? शांतनु के पुत्र का नाम था विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य के पुत्र का नाम क्या था? विचित्र वीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। गांधारी किस देश की राजकुमारी थी? गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है और इसे कांधार कहते हैं। पांडु की कौन कौन सी रानियां हुई? पांडु की 2 रानियां हुई, किंतु कुंती और माद्री।